वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हमारे सामने खड़ी MT15 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है अभी, ठीक है। लेटेस्ट वेरिएंट है, लेटेस्ट बाइक है, इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के अभी आप इसको चला सकते हैं। सो आज मैं आपको इसका कंप्लीट मीटर डिटेल दूंगा, मीटर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको बताऊंगा। सो ऐसी कुछ इसकी कीज़ मिलती है आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं मीटर की। सो ऐसा कुछ इसका मीटर आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ था हाई बड़ी, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। सो पाँच अक्षर के अंदर अगर आपका नाम आता है तो आप इसको एडजस्ट करके अपने नाम के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाँच वर्ड्स की लिमिट आती है। पाँच वर्ड्स तक आप अपना नाम लिख सकते हैं अगर उस वर्ड्स के अंदर है तो। जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो वो पूरा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मुझे कुछ शॉर्ट नेम करके करना पड़ेगा यहाँ पे। सो ठीक है। सो इसमें देखो आपको यहाँ पे गियर इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मैंने अभी फर्स्ट गियर डाला तो यहाँ पे फर्स्ट गियर आ गया, ठीक है। अभी मैं न्यूट्रल करूँगा तो ये न्यूट्रल आ गया। इसमें गियर इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं। RPM मीटर आपको देखने के लिए मिलता है। VVA जो है वो 7000 RPM के बाद एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आप उसको अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो है फ्यूल मीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर। इंडिकेटर, ABS लाइट, न्यूट्रल लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन या ऑफ कर सकते हो, इंजन चेक लाइट, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप ऑन या ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर टाइम देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जो किलोमीटर है वो कितनी चली हुई वो देखने के लिए मिल जाएगी। एवरेज कितना दे रही है गाड़ी वो देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल ये देखो ऑन है अभी, मैं इसको ऑफ करता हूँ। सो ये ऑफ हो गया, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल की ये आ गई, जो ब्लिंक करने लग जाएगी ये जो लाइट है, मैं एक बार फोकस करता हूँ, ठीक है। सो अब अपन इसको ऑफ करेंगे, ऑफ कर दिया, ऑन करेंगे। सो ये वापस ऑन हो गया, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल तो ऐसे ऑन ही ऑफ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके मेन चीज़ की, वो क्या है कि आप इसका टाइम कैसे सेट करेंगे। तो इसी से ही आप दो बटन से टाइम सेट होगा इसका कंप्लीट, ठीक है। और इसके अंदर जो RPM लाइट है ना भाई, वो आपको कंपनी से जाके चेक कराना पड़ेगा कि वो कैसे होगी, क्योंकि RPM लाइट आप खुद कर सकते हो बट वो ऊपर नीचे हो जाएगी तो जो इंजन की ट्यूनिंग है वो बिगड़ सकती है। तो इस चक्कर में ना आपको भाई ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर आप जो ये लाइट कर रहे हो एडजस्ट अपने हिसाब से ना करके आप कंपनी से कराओ, क्योंकि आपको नहीं पता भाई आपको कब VVA एक्टिवेट करवाना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको भाई बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, बट इंटरमीडिएट और प्रो का तो पता रहता है कि मुझे कब एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है, 3000 RPM के बाद, 4000 RPM के बाद, 5000 RPM के बाद, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा कि 6000 से 7000 RPM के बीच में रखें अगर आपको एवरेज भी चाहिए तो, क्योंकि इससे नीचे रहेगा ना तो बेस्ट रहेगा, एवरेज का एवरेज भी आएगा आपका, ठीक है। और साथ के साथ एक बात और मैं बता दूँ आपको कि एवरेज का एवरेज रहेगा, और जैसे ही आप 6000 से 7000 RPM के ऊपर जाओगे ना तो गाड़ी को अपना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसको पावर चाहिए या और ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो ऑटोमेटिक इसका जैसे ही है एज़ यू नो 7000 RPM पे तो वैसे भी VVA एक्टिवेट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपनी मर्जी है, सबका अपना अपना सोचने समझने का तरीका है। अगर आपको जल्दी VVA एक्टिवेट करवाना है तो आप जल्दी भी करवा सकते हो एडजस्ट करके कंपनी से जाके, ठीक है। बट भाई मैं तो यही कहूँगा खुद ना करें, खुद करो भी तो भाई थोड़ा सोच समझ के करो, देख के करो, क्योंकि भाई ये इंजन की ट्यूनिंग के हिसाब से रहता है। इंजन का ट्यूनिंग बिगड़ सकता है तो इंजन की ट्यूनिंग बिगड़ जाएगी तो आपको पता है भाई क्या होगा, इंजन में दिक्कत आने लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो एक बार मैं आपको RPM लाइट भी दिखा देता हूँ इसकी। ये देखो ऐसी कुछ RPM लाइट है इसकी जो ब्लिंक करेगी अभी, ये देखो। सो RPM लाइट भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हो कि आपको कब इसका जो RPM लाइट है फुल चाहिए, ठीक है, कब ब्लिंक करनी चाहिए, कब आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर आना चाहिए, ठीक है, वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और भाई अगर आपको इसका रिव्यू देखना हो ना तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है।